sixth class students. A wonderful morning to all of you. Student, I hope you all have done your previous work on the chapter number 4, exercise 4.1 and 4.2. So, students, let me start exercise 4.3. Exercise 4.3 on the page number, student, 75. Now, student, let me start. In the exercise 4.3, what they give you? Look at the given figure. Write the name of point which are. First is on angle A, O, B. जो एंगल A, O, B पे है. तो स्टूडेंट्स देखो, A, O, B कौन सा एंगल है A, O, B पे? हमारा कौन कौन सा पॉइंट है? पॉइंट A है, पॉइंट D है, O है, N एंड B. जो इस एंगल के ऊपर पॉइंट्स लाइज कर रहे हैं, हमें उन पॉइंट्स के नेम राइट कर देने हैं स्टूडेंट्स. तो कौन कौन सा पॉइंट है? A, D, O, N, B. ये किस पे लाई कर रहे हैं? A, O, B एंगल पे. सेकेंड इज इन द इंटीरियर ऑफ A, O, B. एंगल A, O, B का इंटीरियर. इस एंगल ए ओ बी का इंटीरियर पार्ट होएगा जो आपका इसके बीच तक लाई करेगा, जो आपका ये वाला पार्ट है. तो ये वाले पार्ट में पॉइंट्स कौन कौन से हैं? आर, ई. इन द एक्सटीरियर पॉइंट, जो इस एंगल के बाहर के पॉइंट हैं वो आपके क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स? एक्सटीरियर पॉइंट्स. सो पॉइंट एफ एंड पॉइंट सी. देन स्टूडेंट हाउ यू कैन राइट? Here lies A, D, O, N, B and interior are R, E, exterior are F and C. Student, I hope you understand the question number first. Now the turn is part second, question number second. In each of the following, name the vertex and the arm of the given angle and hence name the angle. Firstly, I tell you vertex. Vertex is the initial point and arms are these. So, students, here is vertex. Firstly, we write, we make the figure and then we write vertex. Vertex is our O and then arm. आर्म क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? ओ एक्स एंड ओ वाई. एंगल पूछा क्या है? वर्टेक्स, आर्म एंड नेम ऑफ द एंगल. सो जो हमारा एंगल है उसका नेम क्या हो जाएगा? आप उसको वाई ओ एक्स भी लिख सकते हैं या एक्स ओ वाई. ये जो फिगर सिंबल होता है स्टूडेंट्स, ये एंगल का सिंबल होता है. हमने ये लगाया, देन वी राइट एक्स ओ वाई. वर्टेक्स को हमेशा हम क्या लेंगे? मिड में लेंगे. सो स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ टेकिंग हेल्प ऑफ दिस सम, यू डू द पार्ट दिस एंड दिस. इन द क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन द फिगर. इस फिगर के अंदर आपको कितने एंगल्स दे रखे हैं? आपको क्या लिखना है? नेम देम. उन एंगल्स के नेम लिखने हैं स्टूडेंट्स. सी इन दिस फिगर, हेयर वट दे गिव यू, एंगल ए टू बी टू सी. हम क्या करेंगे? हम इसको हाइड कर लेते हैं स्टूडेंट्स. तो हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है? ए बी सी. एक एंगल हमें ये दिखाई दे रहा है ना, ए बी सी. तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया एंगल, एंगल ए बी सी. आफ्टर दैट हमने इस लाइन को छुपा लिया. तो हमारे पास एंगल कौन सा बन रहा है? बी सी डी, या फिर हम लिख सकते हैं इसको डी सी बी. हमने इसको हाइड कर लिया स्टूडेंट्स. सो डी सी बी और बी सी डी कैसे भी राइट कर सकते हो. तो एंगल डी सी बी. एंगल कितने मेक हुए? वन एंड टू. तो हम यहाँ लिख देंगे टू एंगल्स. आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. हेयर ऑल्सो यू टेल मी हाउ मेनी एंगल्स. फर्स्टली हाइड दिस. Angle is AOC. Yes, AOC here. After that, one angle is COB.
other angle is BOC. So how many angles are here? 3 angles. And then you name the angles. Student, I hope you all understand these sum. So students, you can write this type of in your fair notebook of maths. And you draw the figures with pencil. No one use the pen. And this is your question number 3, students. I hope you all understand these. So students, I tell you one more thing. Student who haven't purchased the book, please purchase your book quickly, students, for continuing your study. Thank you, students. Stay home, stay safe, and do enjoy your study.